सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों में अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट का ये बैनर लॉन्च हुआ है, जहां पर कि बहुत सारे आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग जो आज़ादी की अमृत गाथा में एज ए चीफ स्पीकर चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत से चेहरे आप पहचानते भी होंगे, और आरजेएस फैमिली के जो एडवाइज़र हैं जिनके मार्गदर्शन में आज़ादी की अमृत गाथा के 75 अंक हो रहे हैं, तो चाहेंगे कि दो शब्द में क्या ब्लेसिंग्स है कि पूरे इंडिया की टूर आरजेएस फैमिली कर रही है। प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई। आप जिस ढंग से शुरुआत की है, आप पूरा इंडिया ले जाइए इसको, उसको पूरा फैलाइए और हर एक घर पे पॉजिटिव वाइब्रेशन लाइए और पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। हर घर पे आपको पॉजिटिविटी दिखाना है और देश को आगे ले जाना है। जी, ये मेरा संदेश। जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट बिजोन मिश्रा जी ने ब्लेसिंग्स दिया। अब हमारे आरजे आज़ादी के अमृत गाथा के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी एज ए को ऑर्गेनाइज़र भी प्रफुल्ल बी सेठ साहब, आपने आरजेएस फैमिली से मिल चुके हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे? मन्ना जी, मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो रहा है और मैं उसको अपनी शुभेच्छा देता हूँ इस सक्सेस के लिए। जी, और यहाँ पर महिला रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और बीना जैन जी और रंजना जी सभी लोग हैं, सभी आज़ादी की अमृत गाथा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सब लोग जानते हैं आरजेएस फैमिली को, तो बीना जैन मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमेशा आपका बना रहे और तो बहुत तरक्की करे और हर फैमिली में हर परिवार में इसका मैसेज जाए, इसी से हमारे को शांति बनेगी और हमारे आचार विचार शुद्ध होंगे और हम दूसरे को सारे प्रेम के साथ हमारा देश रह सकेगा। जी, ऑल इंडिया में टूर हो रहा है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का, आरजेएस फैमिली जा रही है और 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी परिवार से मिलेंगे। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो रंजना मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी शुभकामनाएँ एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग 63वां अंक जो है अगले रविवार को करेंगे, 10 अप्रैल को, और एमएल शर्मा जी, केएल शर्मा जी जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और आज हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं इस लॉन्च में जो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट का पूरे इंडिया के लिए ये बैनर लॉन्च हो रहा है, तो केएल शर्मा जी प्लीज़ ब्लेसिंग्स में क्या कहना चाहेंगे? आपके इस कार्य के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम सभी इसमें योगदान देंगे, उम्मीद रखते हैं कि ये एक पॉजिटिविटी पूरे देश में ला पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केएल शर्मा जी और सारे जो भी डिग्निटरीज यहाँ पर हैं, महिला पुरुष हैं। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, एक ऐसी सोच है जो भारत को अगर पॉजिटिव बनाती है तो बहुत सारी समस्याओं का निदान मिल सकता है, और इसी के लिए 6.5 साल से ये आरजेएस टीजे पीएस केबीएस के द्वारा जो है मूवमेंट चलाया गया है और सभी लोग जुड़ रहे हैं। ये सभी लोगों का परिवार जो है वो भारत में एक नया मुकाम और सुख शांति समृद्धि की कल्पना के साथ
सभी परिवारों को आगे बढ़ने की इच्छा के साथ और ये आज जुड़े जो लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।